विद्यार्थी मित्रों, केम छो? बधा एकदम मजा में ने? वेरी गुड। तो विद्यार्थी मित्रों, आपणे विज्ञाननी अंदर लास्ट वीडियो नी अंदर जे प्रकरणनो अभ्यास कर्यो के रेसाथी कापड़ सुधी, तो एनामां आपणे जाण्युं के ऊन ने जे अलग अलग प्राणीओ उपरथी लेवामां आवे छे त्यारे एने 5 થી 6 सोपाननी अंदर एने अलग अलग प्रक्रिया करवामां आवे छे। एटले के टांकीनी अंदर घसवानी प्रक्रिया होय, दोरी बनावानी प्रक्रिया होय। हवे आ बधी प्रक्रियाओ दरमियान घणी वखत एने रूपांतर करवा माटे जे ऊन होय एने अलग अलग वर्गीकृत करवामां आवे छे, सारी क्वालिटीनू, खराब क्वालिटीनू। तो आनी साथे केटलाक मजूरो पण जोड़ाय छे। तो आ वर्गीकरणनू काम छे जोखम पर भरेलू छे, केम के ते करनारने क्यारेक एन्थ्रेक्स नामना बेक्टेरियानो चेप लागे छे अने जेना कारणे ए लोहीना घातक रोगोनू कारण बने छे। अने जो तमे ए व्यक्ति जे मजूर होय एमने आना चामड़ी उपर आवा जे घाव थाय छे अने आवो एक रोग अलग अलग प्रकारनो, एटले के आ रोग ने आपणे शोर्ट्स रोग तरीके ओळखवामां आवे छे, कि इंडस्ट्रीमां काम करनारा कारीगरो माटे आने एक व्यावसायिक संकट तरीके ओळखाय छे। विद्यार्थी मित्रों, आपणे अत्यार सुधी आ पाठनी अंदर रेसाथी कापड़ सुधीमां जे प्राणीज रेसाओनो आपणे अभ्यास करी रह्या छीए तेनी अंदर ऊन विशे आपणे बधी तमाम माहिती मेळवी के ऊनने केवी रीतना प्राणीओमांथी उतारवामां आवे छे, एना पछीनी एना शुं प्रोसेस थाय छे अने केवी रीतना ई कापड़नी अंदर परिवर्तित थाय छे। हवे आपणे बीजुं एक प्राणीज रेसानी अंदर रेशम, तमे बधाए शब्द सांभळ्यो हशे, रेशमना आपणे कपड़ा पण पहेरीए छीए। तो हवे आपणे रेशम विशे समजीए। तो विद्यार्थी मित्रों, रेशम क्यांथी मळे छे? जोयुं स्क्रीन उपर एक जीवात देखाय छे ने तमने? हा, एनामांथी आपणने रेशम मळे छे। बाळ मित्रों, सिल्कना रेसा जे छे ए प्राणीज रेसामां आवे छे। रेशमना कीड़ाओ रेशमना रेसाओनु निर्माण करे छे। रेशम प्राप्त करवा माटे रेशमना कीड़ानो उछेर करवामां आवे छे अने आ प्रवृत्तिने सेरी कल्चर तरीके ओळखवामां आवे छे। तो चलो आपणे रेशमना कीड़ानी जीवन गाथा, एटले के एनुं जे जीवन केवी रीतना व्यतीत थाय छे अने आखरे आपणे एनामांथी केवी रीतना रेशम मळे छे तेना विशे थोड़ुंक समजीए। तो आपणे स्क्रीन उपर जोई शकीए छीए के आ मादा रेशमनो कीड़ो छे जे भमरी स्वरूपे तमने देखाय छे ने, जेने कैटरपिलर अथवा तो रेशमनो कीड़ो कहेवामां आवे छे। आ जे सफेद रंगनो छे अने आ जे नाना नाना तमे मोती जेवा जे जोई शको छो ए बधा एना ईंडा छे। हवे रेशमनो जे कीड़ो छे ए पाछो एनो जे स्वरूप बदलावीने पछी एनो पहेला तो आवी रीतना एक ईयर स्वरूपे पण आपणने अहींया देखाय छे अने एनामांथी पछी एनो विकास थई अने पाछो आवो एने पतंगिया स्वरूपे व्हाइट रंगनो बनी जाय छे। रेशमनो कीड़ानी अंदर जे एनु ईंडू होय छे शरूआतमां आपणे आवी रीतना जोई शकीए छीए, त्यारबाद एनामांथी कंईक एनो विकास थईने आवू बने छे आम करता करता एनी जीवन यात्रा आगळ वध्या करे छे अने आ जे शरूआत होय छे एने आपणे पाठ्यपुस्तकनी अंदर प्यूपा एम नाम आपवामां आव्युं छे, के ते पोतानी आसपास झाड़ू रचे छे अने तेने पकड़ी राखवामां तेमने मदद करे छे। आजे केटरपिलर जे रेसाओने रेशमना कीड़ाने कहेवामां आवे छे तो ए प्रोटीनना बनेला तांतडाओनो स्त्राव करे छे, एनी अंदर आवो स्त्राव झरे छे, करतो जाय छे अने जे हवामां हवानी अंदर संपर्कमां आवता एनामांथी झीणा झीणा तार उत्पन्न थाय छे। जो जोई शको छो ने तमे, एवी रीतना अंदर ने अंदर तार बने छे अने ते पोतानी जातने अमुक रीते वातावरणथी ढांकी मूके छे अने आ ढांकवा माटेनुं जे आवरणनी मदद ले छे एने कोसेटो कहेवामां आवे छे। जो तमे चित्रनी अंदर आ कोसेटोनुं आ चित्र छे ते जोई शको छो। हवे प्यूपानो हवे पछीनो विकास आ कोसेटोमां ज थाय छे अने तेने पतंगियामां रूपांतरित थाय छे। आ छे ने, जो मादा रेशमनो कीड़ो छे एनी बे पांखो निकळेली छे।
विद्यार्थी मित्रों जो आपणे अलग अलग रेशमना कीड़ा होय छे रंग प्रमाण एना उपरथी एनामांथी जे निकळता रेसाओ होय छे ए पण विविधता धरावता होय छे। तमे स्क्रीनमां जोई शकशो कि आ बधा अलग अलग नाम साथे तमने रेशमना कीड़ा आप्या छे जेनामांथी प्राप्त थता रेसाओ आवा अलग अलग होय छे। बोबिप्स मोरी, एंथेरिया पाफिया, एटेक्स सिंथिया, थियोफिला, रिलीजियोसा, तो आनामांथी आवा रेसा मळे, आनामांथी आवा रेसा मळे, एम अलग अलग रेशमना जे कीड़ा छे एना देखाव पण एनामांथी निकळता रेसाओ पण विभिन्न प्रकारना होय छे। मलबारी रेशमना कीड़ामांथी मळतो रेशम सौथी वधु फेमस छे एटले के प्रचलित छे। तो आ कीड़ाना कोसेटोमांथी मळतो रेशमनो तार मुलायम, चमकदार अने लचकपणू धरावतो होय छे अने तेने जुदा जुदा रंग में रंगी पण शकाय छे। जो तमे प्रोसेस आजो एक कोसेटो कहेवाय जे रेसो जे जीवात छे बरोबर छे ने, आ रेशमनो कीड़ो छे एनामांथी एने प्यूपामां रूपांतरित थयो। प्यूपामांथी एक सादा दोरामां पछी एने रंगीन बनाववामां आव्यो, एनो कापड़नी अंदर उपयोग करवामां आव्यो छे। तो रेशम मेळवा माटे रेशमना कीड़ानो उछेर करवामां आवे छे जेने सेरिकल्चर कहेवामां आवे छे। कोई पण मादा रेशमनो कीड़ो एक ज वारमां अनेक ईंडा आपे छे अने ए ईंडाओने साचवामां आवे छे। आ ईंडाओने सावधानीथी कपड़ानी पट्टीओ अथवा तो कागळ पर संग्रह करी रेशमना कीड़ा पाड़नारने वेचवामां आवे छे। रेशमना कीड़ा पाड़नार तेमने अनुकूल तापमान तथा भेजयुक्त वातावरणमां स्वास्थ्यप्रद अवस्थामां राखे छे। बाळमित्रो डिम्भ जेमने रेशमना कीड़ा के केटरपिलर कहे छे ते रात दिवस सेतूरना पांदड़ा खाईने खूब ज मोटा बनी जाए छे। एटले के तेमनो मेन खोराक छे ई सेतूरना पांदड़ा छे। आ केटरपिलर ने सेतूरना ताजा तोड़ेला पांदड़ा साथे वांसनी ट्रे में राखवामां आवे छे जे आपणे चित्रनी अंदर जोई शकीए छीए। 25 थी 30 दिवस पछी रेशमना कीड़ा आ सेतूरना पांदड़ाने खावाना बंद करी मूके छे अने वांसनी बनेली ट्रेना सूक्ष्म खानाओमां जता रहे छे। हवे आ जे कोसेटो होय छे ए अलग खानानी अंदर पुराई जाय छे अने एने प्यूपानी अंदर रूपांतरित थाय छे। त्यारबाद आ कोसेटोने तड़कामां अथवा तो पाणीमां उकाळवामां आवे छे एटले के एने वधारे पड़ती गरमी आपवामां आवे छे अने आ गरमी आपवा बाद आ क्रियामां रेशमना तार अलग पड़ी जाय छे। त्यारबाद रेशमना स्वरूपमां उपयोग करवा माटे कोसेटाओमांथी रेशमना तार काढ्या पछी तेमांथी दोरा के पातळा वणेला तार बनावानी प्रक्रिया ने रेशमनी रीलिंग प्रक्रिया कहे छे। आ रीलिंग प्रक्रिया छे वधारे पड़ती मशीनो द्वारा करवामां आवे छे अने त्यारबाद तेने अलग अलग रंगनी अंदर रूपांतरित करी एनामां रंगमां फेरवी अने वणकरो आ रेशमना दोरा वडे रेशमना कपड़ा वणे छे। तो विद्यार्थी मित्रों आपणे प्रकरण 3 रेसाथी कापड़ सुधीनो अभ्यास कर्यो जेनी अंदर प्राणीज रेसा, ऊन अने रेशम विशे बधी माहिती मेळवी। त्यारबाद आपणे ऊनमांथी रेसामां रूपांतरना विविध सोपानोनी पण माहिती मेळवी, रेशमना कीड़ानी जीवन गाथा जेनी अंदर आपणे जे एक रेशमनो कीड़ो छे एनो तबक्कावार केवी रीतना विकास थाय छे एनी आखी प्रक्रिया ने समझी अने छेले जे कोसेटो अवस्थानी अंदर एनामां जे तार बने छे ए पण आपणे समझ्या। आ कोसेटोने केवी रीतना एनो उछेर करवामां आवे छे, ए सेतूरना पांदड़ा उपर केवी रीतना जीवन टकावी राखे छे आ माहिती पण आपणे बधी मेळवी अने छेले आ रेशम जे छे ई आपणा अलग अलग रेशमी कापड़ोमां केवी रीते रूपांतरित थाय छे એ પણ આપણે જાણ્યું। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે આ પ્રકરણની અંદર જે રેશમની વાત થઈ તો એના શોધ વિશે તમને થોડીક માહિતી આપવામાં આવી છે।
કે રેશમની શોધ સૌપ્રથમ ક્યાં થઈ? તો ચાલો એની થોડીક માહિતી મેળવી લઈએ કે રેશમની શોધનો સાચો સમય જાણવો કદાચ સંભવિત નથી. એક પ્રાચીન ચીની દંતકથા મુજબ સમ્રાટ હુઆતા ટીએ તેની મહારાણી સી લુંગચીને તેમના બગીચામાં ઉગેલા સેતુના વૃક્ષના પાંદડા ક્ષતિગ્રસ્ત થવાના કારણની જાણકારી મેળવવાનું કહ્યું. મહારાણીને જાણવામાં આવ્યું કે સફેદ કીડાઓ સેતુરના પાંદડાને ખાઈ રહ્યા હતા. તેમણે એ પણ જોયું કે કીડાઓ પોતાની આસપાસ ચમકદાર કોસેટો ગૂંથે છે. સંજોગોવશાત એક વખત કોસેટો ચાના પ્યાલામાં પડી ગયો અને કોસેટોના તારનું ગૂંચડું છૂટું થઈ ગયું. આમ રેશમનો ઉદ્યોગ ચીનમાં શરૂ થયો અને સેંકડો વર્ષો સુધી કડક ચોકી પહેરા હેઠળ તેની પ્રક્રિયાને ગુપ્ત રાખવામાં આવી. ત્યાર પછીના સમયમાં યાત્રીઓ તથા વેપારીઓએ રેશમના બીજા દેશોમાં પ્રચાર કર્યો. જે માર્ગ વડે તેમણે યાત્રા કરી તે માર્ગને સિલ્ક રૂટ કહેવામાં આવે છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ હતો રેશમનો ઇતિહાસ. હવે આપણે બીજા વિડીયોની અંદર નવા પ્રકરણ સાથે પાછા મળીશું. ત્યાં સુધી મને રજા આપશો. આવજો.